काफ़ी बच्चों ने आंसर करना शुरू भी कर दिया है कम ऑन एवरीबडी टेल मी फयाज वेरी गुड प्रांजली प्रियंका वेरी गुड ताहिर क्वेश्चन नंबर वन एंड द करेक्ट आंसर इज डी जेंथोफिल वेरी गुड बच्चों वेरी गुड बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप लोगों ने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर बिसाइड्स वाटर एंड लाइट विच इज मोर इसेंशियल एज अ रॉ मटेरियल फॉर फूड फॉर्मेशन बताइए क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों से पूछा है वाटर और लाइट के अलावा इनमें से कौन सा एक रॉ मटेरियल है जो बहुत ही ज़रूरी है फूड की फॉर्मेशन के लिए बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर टू और आप लोग बताएंगे विच वन इज़ करेक्ट और साथ साथ वीडियोस को लाइक करते रहा करो बेटा वेरी गुड तनिषा वेरी गुड लवप्रीत फयाज़ अंकित बच्चों करेक्ट आंसर है इसका बी ना कि डी है ना फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड की फॉर्मेशन के लिए वाटर और लाइट के अलावा सी टू की भी ज़रूरत है ठीक है कम ऑन डॉक्टर साहब क्वेश्चन नंबर थ्री पर आइए क्वेश्चन नंबर थ्री कम ऑन एवरीवन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, व्हिच विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ रिजर्वियर ऑफ हाइड्रोजन इनमें से किसके अंदर हाइड्रोजन को स्टोर करके रखा जाता है कम ऑन टेल मी एवरी वन इनमें से किसके अंदर हाइड्रोजन को स्टोर करके रखा जाएगा बताइए क्या लगता है आपको वन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री तनिषा जी वन इज करेक्ट मनीटर कह रहे हैं और आ, जर्विस जी भी कह रहे हैं ताहिर क्वेश्चन नंबर थ्री एंड द करेक्ट आंसर इज सी यस थेड स्पेस यानी कि ल्यूमन वेरी गुड बच्चों बहुत अच्छे बहुत अच्छे नहीं प्रियंका आलम नो बच्चे करेक्ट आंसर होगा सी यानि कि थाइलेक्ट स्पेस ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर पर आइए ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन बताओ बच्चों ऑक्सीजनिक ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है फ्यूचर डॉक्टर इट्स बीन टू और थ्री मंथ्स। क्या बात है सौरभ ने करेक्ट आंसर दे दिया तो डैप कर रहा है अब हैं चलो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर बताओ कम ऑन एवरी वन ऑक्सीजेनिक फोटो सिंथिस वेरी गुड इवनिंग वज़ी वेरी गुड बच्चों ऑसीलिटोरिया ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजेनिक फोटो सिंथिस करेगा ठीक है याद रखना कमऑन क्वेश्चन नंबर फाइव चलो बताओ क्वेश्चन नंबर फाइव

कम ऑन एवरी वन ट्राई योर बेस्ट वेरी गुड सौरभ जरविस वेरी गुड नो गोलू बच्चो इसका करेक्ट आंसर है ए यानि कि ग्लाइकोलेट साइकिल वेरी गुड लवप्रीत चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स बच्चों क्रैंस एनाटमी किसकी फीचर होती है friends anatomy is typical of come on question number 6 tell me the correct answer go for it my dear students very good ankit very good बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे करेक्ट आंसर इज़ ए सी फोर प्लांट्स के अंदर बंडल शीत और मीज़ोफिल दोनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए वो कहलाता है सी फोर प्लांट्स की क्रैंड एनाटमी है ना चलो क्वेश्चन नंबर सेवन बताइए साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या क्या चीज़ें बनेंगी कमॉन बच्चों साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या क्या चीजें बनती हैं मी वेरी गुड ताहिर वैभव सान्या रवि प्रांजलि फयाज बहुत अच्छे वंदना डी टू वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर सेवन सही उत्तर क्या है वेरी गुड अंकित बच्चों करेक्ट आंसर है ए यानी कि ए है ना बहुत अच्छे फीचर डॉक्टर नो नॉट नॉट यू डू नीड टू गौरवी एनीथिंग ऑल दी क्लासेस हेयर आर फ्री वेरी गुड बच्चो क्वेश्चन नंबर एट आप लोगों की स्क्रीन पर द फ्लू फिल्ड स्पेस विच सराउंड ग्रेना क्या कहते हैं बच्चों स्पेस को जो कि ग्रैना को सराउंड करेगा ग्रैना के चारों तरफ ऑन मैं डायग्राम के थ्रू आपसे हिंट ले लेती हूँ मान लीजिए ये ग्रैना है है ना आर ग्रैना तो ग्रैना के चारों तरफ जो ये स्पेस होगा इसको क्या कहते हैं बताइए हरे ओ वेरी गुड आसमा जमा जहरा वेरी गुड प्रांजली बहुत अच्छे बच्चों वेरी गुड एंड द करेक्ट आंसर इज ए यानी कि स्ट्रोमा वेरी नाइस कम ऑन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन बच्चों मैग्नीज का मेन फंक्शन क्या है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मैग्नीज टेल मी याद है आप लोगों को मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था यस राघव बताइए क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मैग्नीज़ अंकुश वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप चंदन नो ताहिर नो गौरव दैट्स रॉन्ग यू नीड टू रियली वर्क हार्ट अभी आप कोई चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे सर बायोलॉजी इतनी आसान नहीं <coughs> बच्चे क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर है डी ये जो मैग्नीज है और जो क्लोरीन है ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोलाइसिस और वाटर करने में है ना और ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज करवाएंगे जब वाटर की ब्रेक डाउन हो गई ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर टेन पर आ जाओ डैश कंटेन्स ग्रीन क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स इनमें से किसके अंदर ग्रीन क्लोरोफिल और बाकी पिगमेंट्स होती हैं बताइए ऑन एवरीवन। मैम मैंने आप ही के कल फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर देखे हैं बहुत धन्यवाद फ्यूचर डॉक्टर बच्चों वीडियोस को शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ समझे बिल्कुल सही ताहिर अमन बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन आपको पता है कि भैया ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें पी एस टू पी एस वन की हम बात करते हैं ये सब थाइलेक्ॉइड की मैम्ब्रेन में होते हैं है ना तो उसका मतलब है क्लोरोफिल भी तो यहीं होगी क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्व करने का काम तो इन्हीं का होता है बच्चों राइट तो करेक्ट आंसर होगा थाइलकॉइड कम ऑन क्वेश्चन नंबर इलेवन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रेफर्स टू क्या मतलब होता है इस प्रोसेस का बताइए Come on, everybody. Try karo but batao which one is correct. Come on. Chali. So question number eleven. काफ़ी बच्चे इसका सही उत्तर दे रहे हैं करेक्ट आंसर है बच्चों सी प्रोडक्शन ऑफ ए टी पी बाय कीम्योस्मोसिस वेरी गुड यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा है ना सो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ ए टी पी बाय कीम्योसमोसिस ठीक है बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पर आओ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस सिंथिस इन्वॉल्व्स बच्चों बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कम ऑन मैं आपको हिंट दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है बच्चों, ये बिल्कुल साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की तरह है साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन ठीक है चलो अब बताओ आंसर डॉक्टर गोलू ये क्लास एलेवेंथ का चैप्टर नंबर थर्टीन है ताहिर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कौन सा पीएस एस इन्वॉल्व होता है ओहो oh, जर्विस मैं कैसे ज्वाइन कर लूँ वेरी गुड बच्चों अंकित वेरी गुड चंद्रकला फ्यूचर डॉक्टर ताहिर द करेक्ट आंसर इज ए यानी कि पी एस वन ओनली वेरी गुड बच्चों कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर आइए स्टोमैटल ओपनिंग इज अफेक्टेड बाय बच्चों स्टोमेटा की जो ओपनिंग है कौन अफेक्ट करता है उसको बताइए बिल्कुल फ्यूचर डॉक्टर स्टोमेटल ओपनिंग इज अफेक्टेड बाय कम एवरी वन क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हिच वन इज करेक्ट चलो बच्चों, ऑप्शन बी यानी कि CO2 टू कंसेंट्रेशन टेम्परेचर एंड लाइट वेरी गुड चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर आओ द कीमिओस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस of oxidative phosphorylation propose that atp is formed because bataiye bachcho thank you raghav thank you aise padhte raho aur acha acha score karte raho and definitely uh मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियोस को शेयर भी करते होंगे क्यों भाई करते हो कि नहीं करते हैं वेरी गुड चलो सो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर आइए और बताइए कि जो कीम्योसमोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि एटीपी प्रोड्यूस होती है किस वजह से ऐसा क्या हो रहा है जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है बच्चों कम ऑन अनूप गुड इवनिंग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर आता है बच्चों ट्राई करो एटीपी की फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है नो no, बेटा काफ़ी बच्चे बी कह रहे हैं बट दी करेक्ट आंसर इज डी आपको पता होगा थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है यानी कि एच प्लस आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और इसीलिए लिए यहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है वेरी गुड इवनिंग आरती बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर आइए ऑन हु अनिएटेड द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था ऑन जरवेस आप कमेंट्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं आई विल डेफिनेटली रिप्लाई वेरी गुड इवनिंग स्टेफनो बच्चो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का करेक्ट आंसर बताओ बहुत अच्छे काफी बच्चों को सही उत्तर आता है एंड द करेक्ट आंसर इज सी ब्लैक मैन वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पी जी ए फॉस्फोग्लिक एसेड as द first CO2 fixation product फिक्सेशन प्रोडक्ट in डिस्कवर्ड इन बताइए इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में ये ऑब्जर्व किया गया था कि भैया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पहला CO2 टू फिक्सेशन का प्रोडक्ट है पता नहीं आरती कमॉन बच्चों हरे आप यस फ्यूचर डॉक्टर जब भी थैलेक्ड के ल्यूमन में एचप्रसाइंस का कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा होगा हाइयर टू लोअर मूवमेंट होगी और ए टी पी अपना काम करेगा विच इज़ एटीपी पी फॉर्मेशन ठीक है वेरी गुड बच्चो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का करेक्ट आंसर है ए दैट इज एल्गा अगेन फ्रॉम एन सी आर टी वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पर आइए कौन सी स्टेटमेंट ए के बारे में बिल्कुल ट्रू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए ओके कम ऑन बच्चों बताइए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट ए समीवन ट्राई येस्ट ओके सो सही उत्तर देते हुए बच्चे बोल रहे हैं करेक्ट आंसर है डी यानी कि ए टी पी इज को एनजाइम वेरी गुड बच्चों कम ऑन क्वेश्चन नंबर एटीन ग्लाइकोलाइसिस क्या है बताइए बेटा ग्लाइकोलाइसिस हाँ जी तो क्या कहते हो बच्चे क्वेश्चन नंबर एटीन का सही उत्तर है डी ग्लाइकोलाइसिस में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिडी प्लस रिड्यूज हो जाते हैं हर एक ग्लूकोज के लिए ठीक है चले क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वेयर डज बल्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कार्बन की फिक्सेशन है कहाँ होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बताओ बताइए बच्चों कहां पर होती है कम ऑन एवरी वन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन और सही उत्तर देते हुए बच्चे बता रहे हैं कि भैया इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑशनस बच्चों जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सी ओ टू की फिक्सेशन करते हैं ठीक है ना इसको याद रखना कम ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द सी फोर प्लांट्स आर फोटो सिंथेटिकली मोर एफिशेंट देन सी थ्री प्लांट्स ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जो सी फोर प्लांट्स हैं वो C3 से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच वन इज करेक्ट कम ऑन एवरी वन ट्राई टू गिव द बेस्ट ऑप्शन और मैं आप लोगों को बता दूं, आई हैव अनदर अदर यूट्यूब चैनल जिसमें मैंने फ्री इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है साथ ही साथ टेंथ स्टैंडर्ड के लिए भी जो बच्चे अब टेंथ में आए हैं उनके लिए भी मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया बच्चों सो so, आप ये शेयर कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ एंड प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल मैंने लिंक आप लोगों के साथ अभी शेयर किया हुआ है ठीक है बच्चों छोटे भाई बहनों को बताओ भाई इस साल तो टेंथ वालों के मज़े आ गए लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए मस्त पढ़ाई करनी पड़ेगी है ना चले आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़े चलो सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हमें आ गया है अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पर चलेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पहले इसका सही उत्तर तो बताओ ट्वेंटी का बच्चों करेक्ट आंसर है सी सी ओ टू जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरीशन इस ट्रैपड एंड रिसाइकल थ्रू पी ई पी कार्बोक्सीस हमेशा याद रखना सी थ्री प्लांट्स में सी थ्री प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं ठीक है जो कि एक्चुअल में एक यूजलेस प्रोसेस है राइट बट दिस प्रोसेस डज नॉट अकर इन सी फोर प्लांट्स इसीलिए वो ज़्यादा एफिशिएंट होते ठीक है बच्चों चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन और ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर इन सी फोर प्लांट्स द बंडल शीत सेल्स आर बताइए सी फोर प्लांट्स में जो बंडल शीत सेल्स हैं उनकी क्या फीचर क्या कैरेक्टरिस्टिक है कमऑन अंकुश न्यू चैनल पर भी जल्दी से लाइव आऊँगी डोंट वरी कम ऑन बच्चो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टेल मी दी करेक्ट आंसर ओके प्लीज मेक वन शॉर्ट वीडियो फॉर चैप्टर फाइव एंड सिक्स बच्चा चैप्टर नंबर फाइव और सिक्स इतने लेंदी है ना कि उन पर वन शॉर्ट वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है वो जो वन शॉट वीडियो होगी ना वो खुद ही कम से कम डेढ़ दो घंटे hmm. की हो जाएगी hmm. है ना चलो कोई बात नहीं फिर भी हम ट्राई करेंगे सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एंड द करेक्ट आंसर इज डी बच्चों बंडल शीट सेल में ना हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है याद रखना इसको हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू च पिगमेंट एब्जॉर्ब द रेड एंड फार रेड लाइट कौन सी पिगमेंट है जो रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी मैं तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताहिर तुम भी जल्दी करो कमॉन बच्चो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू गिव मी द करेक्ट आंसर कमॉन रेड एंड फार रेड चलो बता दो सही उत्तर क्या है और ये काफी बच्चे सही उत्तर देते हुए कह रहे हैं सी लेकिन प्रश्न नंबर बाईस का सही उत्तर है बच्चों बी वेरी गुड सान्या बच्चे जो फाइटोक्रोम है वो ऐसी पिगमेंट है जो रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है फाइटो का मतलब ही लाइट होता है बच्चों फाइटो ये अंकुश राघव कमॉन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री यस फयाज बिल्कुल बिल्कुल अरे वेदांत शार्ट आउट तुम्ही को दे देते हैं हम फातिमा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज अ फोर कार्बन कंपाउंड कमॉन बच्चो अरे आप इनमें से कौन सा फोर कार्बन कंपाउंड है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री टेन सेकेंड्स है आपके पास बताइए सही उत्तर ऑन और ये काफी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं विच इज वेरी गुड बच्चों ए ऑक्सैलो वैसेटिक बहुत अच्छे ऑक्सैलो वैसेटिक एसिड शांति वेरी गुड कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24 फोर दी ऑर्गेनिज्म दैट फोटो सिंथिसाइज बट डू नॉट इवोल्व एनी मोलिकुलर ऑक्सीजन कौन है वो जो कि फोटोसिंथेसिस तो करेगा लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा बच्चों ये भी एन में है चलो ऑप्शंस को पढ़ो एक बार और बताओ सही उत्तर बताइए बहुत अच्छे बच्चों जो सल्फर बैक्टीरिया है वो सल्फर को रिलीज करता है ना कि ऑक्सीजन को राइट वेरी गुड ताहिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इन सी फोर प्लांट्स द बंडल शीत सेल्स बेटा ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो अभी हमने पढ़ा ही था जो बंडल शीत सेल्स होते हैं जो बंडल शीत सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट है ना हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स मैच द फॉलोइंग टू लिस्ट एंड सेलेक्ट द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन चलिए अच्छे से पढ़ो और बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कम ऑन जी जर्विस प्लांट हॉर्मस के बारे में भी बनाएंगे चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा <coughs> ये यहाँ पर फर्स्ट है ये सेकंड, थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ ए बी सी डी से आपको मैच करना है ठीक है कम ऑन बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स फटाफट से ऑप्शंस को रीड कीजिए और बताइए विच वन इज करेक्ट कम ऑन हाँ जी बच्चों यस येसौरअ दैट्स ट्रू बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भाई जब यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होगा एच टू को स्प्लिट करोगे तभी तो वहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगा तो ए का हो गया फिफ्थ ठीक है दूसरा है प्रोटॉन ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन इससे किसको फायदा है एटीपी की फॉर्मेशन होती है न इससे फिलहाल हिल रिएजेंट हिल रिएजेंट पोटेशियम ये जो के प्लस आयन्स होते हैं यानी कि जो पोटेशियम आयन्स होते हैं वो हिल रिएजेंट होते हैं ठीक है फिर है, फोटो रेस्पिरेशन, बच्चों हाई ऑक्सीजन का लेवल होगा तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी लेकिन CO2 टू की मात्रा ज़्यादा होगी तो कोई फोटो रेस्परेशन नहीं होगी ठीक है इसीलिए करेक्ट आंसर है ए राइट ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इन क्रैंस एनाटमी द बंडल शीत सेल्स हैव बताइए क्रैंस एनाटमी में जो बंडल शीत सेल्स होते हैं उनके पास क्या क्या प्रेजेंट है टेल मी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन चलो बताओ अभी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है तो सही आंसर बता सकते हो आप लोग चलो अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ो कमौन अंकुश सौरभ ट्राई करो चंद्रकला लवप्रीत वेरी गुड फातिमा साना बहुत अच्छे बच्चों लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं हमने पढ़ा था ना और यहां पर वॉल्स हमेशा थिक होती हैं सो रिमेंबर दिस कि जो बंडल बंडरशीत सेल्स हैं उनके पास थिक वॉल्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद नो इंटरसेलर स्पेस चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इन पी एस वन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज़ बताइए पी एस वन फोटो सिस्टम वन में जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन सा होगा चलो तो ये हमने बना दी थाड की मेम्ब्रेन ये होता है पी एस टू और ये होता है पी एस वन ठीक है बच्चों ट्राई करो वन करेक्ट वेरी गुड शिवांगी भावना वंदना फयास बच्चों आयरन सल्फर प्रोटीन बिल्कुल सही है और अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो दो ऑप्शन हैं यहाँ प्लास्टो क्विनोन होता है <coughs> जो सबसे पहले पी एस टू में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर साइनिन होता है है ना तो ये आप लोग याद रखेंगे ठीक है बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन मेज शुगर केन एंड सम अदर प्लांट्स हैव हाई इफिशियंसी ऑफ़ सी ओ टू हैव हाई इफिशियंसी ऑफ़ सी ओ टू फिक्सेशन ऐसा क्यों बच्चों कौन सा पाथवे होता है उनके अंदर चलो बताओ हाई इफिशियंसी क्यों है सी ओ टू फिक्सेशन की चेल मी डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे ट्राई करो बाकी स्टूडेंट्स भी विच वन इज करेक्ट वेरी गुड ताहिर बच्चों क्योंकि इनके अंदर सी फोर पाथवे यानी कि हैच एंड स्लैक पाथवे होता है ठीक है चले क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी कमॉन रीड दी क्वेश्चन अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि सी थ्री और सी फोर में क्या डिफरेंस है जो सी फोर प्लांट्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं ऐसा क्यों होता है बच्चों जो सी फोर प्लांट्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट थे ऐसा क्यों कमॉन क्वेश्चन नंबर थर्टी ताहिर कह रहे बी वेरी गुड बच्चों बिल्कुल सही बात है फोटो रेस्परेशन है ना क्योंकि सी फोर में फोटो रेस्परेशन नहीं होता वेरी गुड वेरी गुड कमॉन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है लाइट रिएक्शन के बारे में बताइए बच्चों कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है लाइट रिएक्शन के बारे में टेल मी ट्राई करो सभी अच्छे से पढ़ो सारे ऑप्शंस को चलिए, सो so, काफ़ी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का विच इज़ ऑप्शन डी भैया गलत स्टेटमेंट पूछी थी और ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि सिक्स एट्टी पर पी एस वन और सेवन हंड्रेड पर पी एस टू काम करता है बच्चों ये गलत है ना क्योंकि जो पी एस वन है वो क्या है पता है पी एस वन वो सेवन हंड्रेड और पी एस टू सिक्स एट्टी काम करेगा है ना चलो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैस्ड गलत स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पर बताइए कमऑन एवरीवान कमऑन बच्चो ट्राई करो सो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू और आप लोग बता रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो रॉन्गली मैच्ड है वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्टी टू एंड करेक्ट आंसर है डी क्योंकि अभी तो बताया पी एस वन करता है सेवन हंड्रेड नैनोमीटर की वेवलेंथ पर एब्जॉर्पन और पी एस टू सिक्स एट्टी नैनोमीटर ठीक है बच्चों। कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पर आइए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल रिक्वायर्स बताइए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री टेल मी बच्चों रीड करो अच्छे से और फिर बताओ कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही लग रही है जो कि कैल्विन साइकिल में होती है वेरी गुड बच्चों एटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स ऑफ एन टू हमें पता है कि एक साइकिल में थ्री एटीपी बनते हैं तो एक ग्लूकोज के लिए सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर फोटो सिंथेसिस टेक्स प्लेस बताओ क्वेश्चन नंबर thirty four, which वन इज राइट कम ऑन everyone, try ट्राई कीजिए हाँ जी क्या कहते हो काफी बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन डी लेकिन बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी विजिबल लाइट कोई भी सोर्स हो अगर लाइट विजिबल है विजिबल लाइट है तो फिर फोटोसिंथेसिस हो सकती है है ना चले क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पर आइए और बताओ कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है कौन सी स्टेटमेंट गलत है फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बताइए कम ऑन everyone, read रीड options carefully. केयरफुली कम ऑन चलो सो अभी अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों जिसमें हमने देखा था कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो C3 थ्री प्लांट्स में होती है C3 थ्री प्लांट्स में होती है ना कि C4 फोर प्लांट्स में है ना तभी तो C4 फोर प्लांट्स एनर्जी एफिशिएंट होते हैं राइट right? तो उसका मतलब है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है C3 थ्री प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है सो द करेक्ट आंसर इज बी ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर अच्छा रॉन्ग पूछा था बच्चों रॉन्ग तो करेक्ट आंसर होगा ए रॉन्ग पूछा है इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए